आप क्या मेरा हक सवाल पूछने का है कि नहीं है? क्या मैंने आपसे कोई ऐसा सवाल पूछ दिया मंत्री जी कि मुझे इस तरीके से समाजवादी और कांग्रेस के लोगों के को बिक कर के नहीं ईमानदार नहीं, नहीं, नहीं आप इस तरीके का आरोप नहीं लगा सकते। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर वो ये कहता कि मैं धर्म सिंह से नाराज हूँ तो मैं जाकर के उसे मनाऊंगा। कोई भी नाराज नहीं है, आप ये मानते कोई नाराज नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है, केवल आप अपने चैनल की सुर्खियां बटोरने के लिए समाजवादी और कांग्रेस के लोगों में जाकर के इस तरह का दुष्प्रचार मेरे खिलाफ कर रहे हैं। मंत्री जी आप ये कहिए, मंत्री जी या तो ये कहिए आपके चैनल की गलत मानसिकता है। मंत्री जी या तो ये कहिए, मंत्री जी या तो नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। इस वक्त मैं सहारनपुर में हूं और हमारे साथ राज्य सरकार में मंत्री धर्म सिंह सैनी जी मौजूद हैं, जो नकुड़ विधानसभा का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, वहां से विधायक भी हैं और 20 साल से लगातार वो विधायक हैं, जीत उनकी लगातार है। और आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सहारनपुर और दूसरे जिलों को बड़ी योजनाएं दी है, यानी चुनाव से ठीक 6 महीने पहले इन योजनाओं का क्या महत्व है, मंत्री जी से बात करेंगे। मंत्री जी बहुत स्वागत आपका हेडलाइंस इंडिया पर। और मेरा सवाल कि अब तो चुनाव लगातार आ गए हैं, बिगुल बज चुका है, लोग टिकट के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी योजनाएं उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के इन जिलों को कितना बड़ा महत्व आप इसे मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट के लिए इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं पड़ती। टिकट के भागने की आवश्यकता उन दलों में पड़ती है जहाँ बोली लगती हो, पैसे का इंतजाम करना पड़ता हो, बगैर पैसे के टिकट ना मिलता हो। यहाँ कार्यकर्ता के रूम में पार्टी के वर्कर को टिकट मिलता है तो यहाँ दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप जो है उसे वो आश्वस्त है कि पार्टी तय करती है कि किस कार्यकर्ताओं में क्या क्षमता है और उसके अनुसार उसे टिकट मिलता है। दूसरे, आज योजनाओं का जो शिलान्यास और उद्घाटन किया है, कुछ हमारी योजनाएं पूर्ण हो चुकी थी उनका उद्घाटन किया गया है और कुछ शुरुआत होनी थी उनका शिलान्यास किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज ये हज़ारों करोड़ रुपए की परियोजनाएँ हमारे मंडल सहारनपुर में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल आकर के इसकी उद्घाटन किया है। आप नकुड़ विधानसभा से विधायक हैं, इससे पहले भी आप मंत्री रहे हैं और अब फिर मंत्री हैं, अभी 21 आ गया, 4 साल तक यानी 4.5 साल का इंतज़ार, एक पुल जिसको लेकर लगातार जो ग्रामीण हैं उनको वो कटे हुए हैं, वो लगातार आपसे मांग करते रहे कि वो लगातार आपको वोट भी देते रहे, आखिरकार ऐसा क्या कारण रहा कि जब सरकार का अंतिम आ गया, जब अब पूरा 5 साल पूर्ण होने वाले हैं तभी आखिरकार उनका वो पुल का सपना पूरा हुआ है और इसे बनने में भी और कितना वक्त लगेगा? आपको मालूम नहीं कि पूरे उत्तर प्रदेश में यमुना जैसी बड़ी नदी और वो भी जहाँ जिसके पानी की स्पीड लगभग 150-200 किलोमीटर प्रति घंटा की हो, मेरी विधानसभा में 6 पुल पहले से ही कंप्लीट हैं हरियाणा को जोड़ने के लिए यूपी से, और 7वां पुल ये बनने जा रहा है, इसकी सोयल टेस्टिंग हो गई। ऐसा नहीं है कि ये क्योंकि उप मुख्यमंत्री जी ने आज इसकी घोषणा ही नहीं की, इसकी शुरुआत करने के लिए उन्होंने कहा है अपनी जनता के लिए, इससे पहले लगभग 3 महीने पहले उसकी शुरुआत हो चुकी है और इसकी सोयल टेस्टिंग जो गहराई देखी जाती है बोरिंग मशीन के द्वारा वो 3 महीने पहले हो चुकी है। इसका कार्य इलेक्शन से संबंधित नहीं है, ये वहाँ की जनता की सुविधाओं के लिए ये कार्य दिया जा रहा है, इसलिए इसे इलेक्शन से न जोड़ा जाए। वहाँ की जनता की आवाज़ थी और ये आवाज़ हमने पहली सरकार में मंत्री रहते भी उठाई, लेकिन वो पूरी नहीं की। आज इस लोकप्रिय सरकार में हमने आवाज़ उठाई और वो आज जो है खुद उप मुख्यमंत्री जी ने अपने बयानों में कही। हमारे रिपोर्टर उस नाव पर बैठकर उस गांव का सफ़र करने गए थे, गहरी नदी में अगर नाव में पानी भर जाए तो आदमी की जान और माल का तो नुकसान रहता ही है, लेकिन आखिरकार आपको लगता है कि जब इस तरीके से जनता के बीच वो खबरें गई तब आपको अब लगा कि कहीं ना कहीं जो है पुल बहुत ज़रूरी है? नहीं नहीं, अब नहीं लगा। देखिए, फिर आप जो है अगर निष्पक्ष तरीके से इस बात को देखेंगे कि पुल पे पहले से कार्य चल रहा था और मैं पहले कह चुका हूँ कि उसकी सोयल टेस्टिंग तक हो चुकी है, उसके जो पूरे प्राकलन वगैरह बनाए जा रहे हैं, एस्टीमेट बनाए जा रहे हैं उसके, और उसका नक्शा बनाया जा रहा है कि कहाँ कहाँ किस तरीके से पिलर आएगा, कितनी लंबी उसकी लेंथ होगी, कितना चौड़ा होगा, वो सब कार्य पहले से ही शुरुआत थी। लेकिन चूँकि आज यहाँ पूरे जनपद में
अगर वो मौजूद होकर के यहाँ फिजिकल आकर के ये घोषणा करते तो और ज़्यादा बेहतर था, लेकिन चूंकि वायुयान में कमी के कारण आज वे हमारे बीच में नहीं आ पाए हैं, इसलिए उन्होंने जनपद के उस क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त किया है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि विशेषकर डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने जो आपके बीच में आपने मांग रखी थी उन्होंने उसके सामने वो सरकार सहर्ष स्वीकार करती है और वो पुल पर जल्दी ही काम लग जाएगा। सर, मैं आपकी विधानसभा गया था, मैं कई गांव में गया, अलीपुरा हो या दूसरे तमाम गांव, तो लोगों का एक ये कारण था कि मंत्री जी को हमने जिताकर विधानसभा पे पहुंचाया, उसके बाद वो मंत्री भी बने, हमारा सम्मान भी रहा, लेकिन मंत्री के नाते जो उनको लोगों के बीच होना था अपनी विधानसभा में, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दिए, बहुत कम वो लोगों से मुलाकात करने आए। आप किस तरह, अब अगर मेरी एक एक बात आप न काटे और वो जस्ट का वादा हेडलाइंस इंडिया का, हम 65 लाख सब्सक्राइबर के साथ बने हुए हैं और आपकी एक आवाज नहीं कटेगी, वो पूरा रहे। हाँ, आप जस्ट का तस दें, आप अलीपुरे में गए थे, अलीपुरे में आपने चुना एक समाजवादी परिवार, आप वहाँ बाइट ले रहे हैं, वो ये कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ, वो योगी के बारे में बोल रहे कि हम योगी को चाहते हैं। मेरी सुन लीजिएगा ना, वो समाजवादी परिवार और कांग्रेस का परिवार था, उसने आपके सामने स्वीकार किया कि मैं पहले भी इमरान मसूद को कांग्रेस को वोट दिया था और अब भी मैं इस सैनी को वोट नहीं दूंगा। आप ये बताइए, आप मेरे विरोधियों में जाकर के अगर ये पूछेंगे कि आप किसे वोट दोगे तो वो ये कहेगा कि मुझे देगा। आप मेरी सुन लीजिएगा, नहीं आप सर, वो आरोप थोड़ा सा गलत हो गया ना, वो दरअसल किसी एक वो योगी का नाम ले रहे हो, कह रहे हम योगी के साथ हैं। मेरी सुन लीजिएगा ना, पहले जब मैंने आपको यह कहा, पहले मेरी सुन लीजिएगा, आप एक किसी कांग्रेसी से ये पूछेंगे जाकर के आप किसे वोट दोगे और वो स्वीकार कर रहा, आपने पूछा कि पहले किसे वोट दी थी आपने और उसने ये कहा कि मैंने कांग्रेस को वोट दी थी। एक समाजवादी का बैठा है, उससे पूछा आपने आप कौन से दल से हैं, उसने कहा मैं समाजवादी में हूँ। जो समाजवादी का वोटर है, जो कांग्रेस का, जितने लोग थे वो सारे समाजवादी कांग्रेस के, सारे समाजवादी कांग्रेस। आप मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा, जब उसके बाद में वो करिएगा, वहाँ जितने लोग, वहाँ दलित समाज के लोग भी बैठे थे, उनसे भी आपने बाइट ली, उन्होंने कहा नहीं मंत्री जी से बढ़िया नेता यहाँ कोई नहीं है, और वो आपने बाइट काट दी। आप, हम ये कह रहे हैं कि अगर सर उसमें कोई कट नहीं हुआ, आप एक गांव में जा रहे हैं तो वहाँ हर वर्ग, हर परिवार से आप एक एक दो दो आदमी की बाइट लीजिएगा तो सच का सच, वो झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। लेकिन अगर आप तय करके अपने चैनल की सुर्खियाँ बटोरने के लिए केवल ऐसी जगह जाओगे कि ये कट्टर समाजवादी या कट्टर कांग्रेसी परिवार है और उससे ये कहोगे तो क्या कहे, वो क्या करेंगे, वो ऊपर से ये कहेंगे दिखावे को कि हम योगी जी के, जो आप कह रहे हैं कि आप लोगों के बीच रहे, आप लोगों के बीच रहे, मैं लोगों के बीच में हूँ, रहता हूँ और रहूँगा। मैं फिर कह रहा हूँ, आपके सामने एक व्यक्ति ये कह रहा है कि हम जो है कानून, हमने पहले भी कांग्रेस को वोट दिया था और आगे भी इसे सैनी को वोट नहीं देंगे मोदी का, मैंने पूरी पढ़ रखी है, मैंने पूरी देख रखी है, मेरे सामने इसके बारे में उनको सबको समाजवादी बता दिया, जबकि उसमें 95% लोग ये कह रहे हैं कि हम योगी जी के साथ हैं, हम योगी जी के साथ हैं, वो लोग ये बोल, गलत मानसिकता के तहत जा रहे हो ना उन लोगों के बीच में। आप हम ये कह रहे हैं कि आप कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा, सब लोगों के बीच में जाइएगा, आप सपा, बसपा, कांग्रेस, सब लोगों के बीच में आप जाइएगा। अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी का कोई वर्कर, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर वो ये कहता कि मैं धर्म सिंह से नाराज हूँ तो मैं जाकर के उसे मनाऊंगा, कोई भी नाराज नहीं है, आप ये मानते कोई नाराज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है, केवल आप अपने चैनल की सुर्खियां बटोरने के लिए समाजवादी और कांग्रेस के लोगों में जाकर के इस तरह का दुष्प्रचार मेरे खिलाफ कर रहे हैं। मंत्री जी आप ये कहिए, मंत्री जी या तो ये कहिए, आपके चैनल की गलत मानसिकता है, मंत्री जी या तो ये कहिए, मंत्री जी या तो मंत्री, अरे मंत्री जी नहीं, मंत्री जी ये बताइए क्या सारे कांग्रेसी थे, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से सवालों से यहाँ पर भागते नजर आए और उनके जो यहाँ पर सपोर्टर थे उन्होंने क्या हाल किया, ये आप देख सकते हैं। आखिरकार एक राज्य मंत्री के सपोर्टर किस तरीके से रिपोर्टर को हटा रहे हैं और मंत्री जी ने उन्हें रोका तक नहीं, ये आप देख सकते हैं कि आखिरकार क्यों एक सवाल से क्यों भाग रहे हैं, ये सवाल लगातार है। यहीं पे मंत्री जी आप पर्सनल ले रहे हैं, आप देखिए रिपोर्टर को किस तरीके से हटा दिया गया, मेरा क्या मेरा हक सवाल पूछने का है कि नहीं है,
क्या मैंने आपसे कोई ऐसा सवाल पूछ दिया मंत्री जी कि मुझे इस तरीके से समाजवादी और कांग्रेस के लोगों के को बिक करके नहीं ईमानदार नहीं, नहीं, नहीं आप इस तरीके का आरोप नहीं लगा सकते नहीं इस तरीके से नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि आखिरकार सपोर्टर किस तरीके से मंत्री जी को ले गए और सवालों से कैसे भागते नजर आए। पल पल की और बेबाक पत्रकारिता लगातार जारी रहेगी। जुड़ रही है एडवाइन सिंह के साथ अपने सहयोगी रोहित और कुलदीप के साथ नवीन चौहान सहारनपुर हेडलाइंस इंडिया।